नमस्कार अमर उजाला डॉट कॉम पर आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूं आदर्श झा देश में इस वक्त सत्ता का संग्राम चल रहा है लोकसभा के चुनाव है अब केवल आखिरी चरण का चुनाव बचा है और समय बहुत कम है कल चुनाव प्रचार थम जाएगा और उसके पहले नेताओं में सरगर्मी बहुत ज्यादा है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इन सबके बीच लोगों के बीच में क्या है, मुद्दे हैं उनको क्या लगता है क्या उनकी मांगे मानी गई सुनी गई देखी गई और समझी गई वो समझना बहुत जरूरी है और इसीलिए अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में हम पहुंच रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ में किरण खेर बीजेपी के दस साल से यहाँ सांसद थी इस बार बीजेपी ने भी चेहरा बदल दिया कांग्रेस ने भी चेहरा बदल दिया अकाली दल के भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है लेकिन इन सब के, लोगों के मुद्दे क्या है किन मुद्दों पर काम हुआ है या जो दावे केंद्र सरकार करती है या राज्य सरकारें करती रही है उसका कितना फायदा यहाँ के लोगों को मिलता है यही समझने के लिए इस वक्त हम चंडीगढ़ के बापूधाम में मौजूद है तमाम लोग मौजूद है आप सबका बहुत स्वागत है मैं डॉट कॉम पर सर आपसे ही शुरुआत करूंगा मैं एक बार नाम राजकिशोर राजकिशोर जी मुद्दे क्या है यहाँ कल प्रचार भी खत्म हो जाना है एक तारीख को चुनाव होना है मुद्दे क्या है चंडीगढ़ के देखिए अब जो क्रांतिकारी जो मुद्दे जो रह गए हैं भाजपा ने जो पीछे काम किए हमारे माननीय सांसद खीर ने जो काम किए हैं अब देखिए हम अब सीधा मैं रोजगार पे आता हूँ चंडीगढ़ के अंदर बहुत लोगों के पीछे डिमांड थे कि भी जो गवर्नमेंट सब जाते हैं उनको अटैम्प्ट करने का लड़कों को टाइम मिलता नहीं है तो किरण खे जी ने बड़ा काम क्रांतिकार ने क्या जो उम्र जो सैंतीस साल की उन्होंने बहुत बड़े क्रांतिकारी काम किया उन्होंने अब देखिए ट्रैफिक समस्या रहती थी आपको पता कि से लाइट पॉइंट से लेकर ट्रिबून चौक तक एक बहुत बड़ा जाम और कम से कम चंडीगढ़ के अंदर चालीस पचास हजार जो बाहर की जनता चंडीगढ़ में एंटर करते हैं काम करने के लिए वो चाहे बल्टाना की हो चाहे इधर मोहाली की हो चाहे पंचकूला साइड की हो वो सब एंटर करते हैं तो चंडीगढ़ में इतना ट्रैफिक हो जाता है उसके लिए मुद्दा काम किया उस फ्लाई ओवर बढ़ाने के लिए सरकार ने काम किया उसको पास भी कराया पीछे कुछ पता आपको कुछ किसने वो स्टेट हाई कोर्ट में गया पर फिर से वो वो बनने वाला है और वो बनेगा और ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है और एक चंडीगढ़ को एक हमारे इस टाइम जो हमारे भाजपा के लोकप्रिय उम्मीदवार संजय टंडन जी हैं वो एक चंडीगढ़ आई टी हब बनाना चाहते हैं कि युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिलेगा क्योंकि हमारे जो लोग कहीं बंगलोर जाते हैं कोई दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए कोई चला जाता कहीं और जाते हैं दूसरे शहरों में हमारा चंडीगढ़ युवा यहीं पर काम करेगा ये एक माइटी हब को बनाने जा रहे हैं सालों सालों में में क्यों नहीं सोचा सोचा गया दस सालों में भी तो जा सकता था ना दस साल रही देखिए चंडीगढ़ में आप यहाँ देखिए ऐसा है चंडीगढ़ में के बहुत हैवी है और कोई बात रखनी होती है तो हम सीधा जो है सेंटर में बात रखनी पड़ती है चंडीगढ़ के नुमाइंदे जो नुमाइंदे हैं तो फिर भी उस, उसके लिए बहुत सारा काम किया गया है अब देखिये यहाँ का मालिकाना हक का मुद्दा था बहुत बड़ा चंडीगढ़ में आज से सत्तर सालों से कांग्रेस पार्टी ने अगर अटल जी की सरकार छोड़ दें तो उन्होंने आज तक कोई भी मुद्दा आज तक हमारा कॉलोनियों का मुद्दा रहा लगभग वो हुआ नहीं हल नहीं हुआ आज तक पर उसको भाजपा ने इस पे काम किया ये किरण खिया जी के टाइम पे हुआ कि जो लोगों के जो डाटा जो लिया उनका संपर्क में पैसा आना शुरू हो गया लोग किससे कट रही है और मुद्दा था देखिए एक पेचीदा मामला है ये और उसका क्रोनिक तो के अंदर सर्वे कराए गए सबके घर के सर्वे हुए हैं यहाँ पर नब्बे परसेंट लोगों के मकान बिके हुए हैं यहाँ पर बापू के सबको पता है और कॉलोनी में सब सारी कॉलोनी में यही हाल है पर वो उसी को एक उसको एक असली जमा पहनाने के लिए भाजपा ने एक पड़ाव चल दिया है और उस पर एक अच्छा सर्वे हो गया है और हमारा ये हमारे मैनिफेस्टो में भी आ भी गया है कि हम जो है इसके संजय जी के जीतने के, के बाद इसको जो है जो है है मालिका हक ही रहेंगे मालिकेस्टो में राजपूत नाम है तो? शीशपाली मुद्दे आम चंडीगढ़ के आदमी के क्या है तमाम बातें हो रही हैं विकास की बात हो रही है केंद्र कह रही है हमने ये कर दिया राज्य सरकार कह रही है हमने ये कर दिया क्या है समस्या यहाँ पे समस्याएं बहुत हैं पहली बार तो ये बोलूंगा दस सालों में यहाँ पे कोई काम नहीं किया यहाँ पे किरण खेर जी थी जिस लीडर को बोलने की अकल ना हो मैंने कई वीडियो देखी है आपके मीडिया के थ्रू भी वैसे भी वायरल होती रहती हैं कई भी तो डंगर कह रहे हैं कुछ कह रहे हैं पार्षदों को इस तरह की हरकतें हो रही हैं जिस पार्षद को बोलने की अकल ना हो एम पी को वो क्या करेगा और दस सालों में कुछ नहीं करा सारा चंडीगढ़ को जीरो लेवल पे लेके आ गए दूसरी बात रही है हर वर्ष जब भी इलेक्शन होता है एमपी का तो मालिकाना हक का चलता है कि कॉलोनी में मालिकाना हक मिल जाएगा तो वो जो मालिकाना हक है ना आज तक हुआ नहीं ना इनसे हुआ मुझे लगता है कि मनीष तिवारी जी आ रहे हैं इस बार गठबंधन इंडिया एयरलाइंस का तो वो इस काम को करेंगे जरूर इतना मेरा कहना लग रहा है कि उनके आने के, के बाद बिल्कुल होगी जी और पढ़े लिखे समझदार इंसान है वो एक इंटेलिजेंट है बोलने का तरीका काम करने का तरीका है पहले भी संसद रहे हैं मैंने देखा अखबारों में अखबार पढ़ता हूँ तो आपके अमर उजाला में मैंने देखा है कई बार कि लुधियाना से रहे हैं वो और आनंदपुर साहब से भी रहे हैं अच्छा काम किया है तभी उनको तीसरी बार यहाँ से चंडीगढ़ से चुना गया है चंडीगढ़ से इसी करके उनको दिया है शायद कि भी अच्छा काम करेंगे और वो मालिकाना हक दिलाएंगे और जो समस्या है वो सबको पूरी करके देंगे देखिए सब सबके अपने अपने तर्क हैं अपने अपने दावे हैं सबको लगता है कि इधर से काम बेहतर हो सकता है उधर से हो सकता है मेरा नाम क्रांति शुक्ला है एक एनजीओ रन करते हैं हम यहाँ समस्या समाधान टीम चंडीगढ़ के नाम से शुरुआत शुरुआत समस्या ही सही हाँ शुरुआत समस्याओं से ही करते हैं सैंतीस साल की उम्र सर ने कहा कि किरण खेजी ने पास करी सर आज तक एक भी नौकरी किसी भी युवा को अगर सैंतीस साल के किसी भी बंदे को मिली हो तो ये बता दें कोई रिकॉर्ड नहीं है सर चंडीगढ़ में दूसरी चीज हम आ जाते हैं बात कर सर ये जो चुनाव है ये आ, लोकल मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा लोकल मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए चुनाव होना चाहिए कि जो कूड़े का रेट तीस रुपए लिया जाता था वो पर मंजिली एक घर में अगर आपकी तीन मंजिल है ना तो एक सौ पांच रुपए पर मंजिल के हिसाब से यानी उसको तीन सौ गुणा कर दो तो उस हिसाब से आपसे कूड़े का पैसा लिया जाता है पूर्वांचल की बात कर लेते हैं यूपी बिहार का का बहुत सारा तबका यहां रहता है इन्होंने सीनियर सिटीजन कोटा खत्म कर दिया जो रियायत छूट मिलती थी बुजुर्गो को साठ साल से अधिक के लोगों को छूट मिलती थी तो आप क्या सेवाएं दे रहे हो चंडीगढ़ के अंदर हिमाचल भवन भी है उत्तराखंड भवन भी है हर एक भवन है लेकिन पूर्वांचल का भवन पिछले दस साल से होते हुए नहीं बना पाए तो सर सबसे बड़ी इनके पास है, क्या इन्होंने काम किया है वो भी है मैं किसी की ये, आ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पार्टी है वो पार्टी अच्छी हम बात करें जनता के मुद्दों के ऊपर जनता का सबसे बड़ा मुद्दा चंडीगढ़ के अंदर आज के दिनों में आप देख रहे हो प्रॉपर्टी टैक्स ईडब्ल्यू एस के मकानों में रहने वाले लोगों के लिए अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हो तो गरीब लोगों को तो आप हर जगह मार रहे हो हर जगह लूट रहे हो पीछे इन्होंने सिलेंडर की सब्सिडी भी खत्म कर दी थी मोबाइल के रिचार्ज महंगे कर दिए हर एक चीज आप बिजली प्राइवेट कर दी सर सांसद जी लोकसभा में एक बार भी बिजली को लेकर के नहीं बोले कि चंडीगढ़ जो बिजली विभाग फायदे में है आप उसको क्यों प्राइवेट कर रहे हो क्यों प्राइवेट करने पर तो हो चलो सांसद ने नहीं बोला था शहर के किसी भी नेता ने नहीं बोला शहर के तो किसी भी नेता को तो बोलना चाहिए था ना किसी भी पार्टी के नेता ने नहीं, नहीं बोला था शायद वो जो कैंडिडेट खड़े हैं शायद उन्होंने वहां एक बार सदन में मैंने सुना था उन्होंने आवाज उठाई थी लेकिन शहर के मुद्दों पर बोलने के लिए कोई नहीं है वोट लेने के लिए सर हर हर चीज में आ जाते हैं मनी माजरा की मैं बात करता हूं इकलौता खेल का मैदान था सर चौबीस घंटे पानी देने की योजना को लेकर के उस मैदान को खत्म कर दिया गया युवा फिर नशे की तरफ नहीं जाएगा तो और कहा जाएगा जब युवाओं से आप खेलने के लिए आप मैदान छीन रहे हो तो आप वो बताओ युवा कहां जाएगा मौली जागरा में इन्होंने 2016 में 24 घंटे पानी देने के लिए टंकी खड़ी की थी सर मैं आपको आज लाइव बोल रहा हूँ यहाँ से आप जाकर के देख लो उस टंकी का क्या हाल है और उस मौली जागरा में किसी भी एक घर में जाके पूछ लो क्या किसी के घर में 24 घंटे पानी आया सर ये 24 घंटे पानी नहीं आएगा इनकी खुद की नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है, है कि 2040 में पानी खत्म हो जाएगा पानी को बचाओ इन्होंने अटल जल संरक्षण नीति अपनाई है अटल जल संरक्षण नीति लेकर के आए थे पानी जल योजना को यानी पानी को बचाने के लिए जल संरक्षण को लेकर के जब ये लोग जल बचाने को लेकर के एक नीति लाते हैं और यही डिपार्टमेंट आकर के चौबीस घंटे पानी दे रहा है आप देखिए पानी कितना बर्बाद हो रहा है पानी के रेट इन्होंने चार गुने कर दिए पानी तो इन्हें सस्ता देना चाहिए था जो कि हम गर्मियों में छबील लगा देते हैं जगह जगह पर लोगों को पानी फ्री पिलाने के चक्कर में लेकिन पानी के रेट इन्होंने चार गुना कर दिए हैं उस पर कोई बात नहीं है सीवरेज सेस पर कोई बात नहीं है काउ सेस पर कोई बात नहीं है काउ का आप टैक्स ले रहे हो लेकिन आवारा पक्ष में आपको सड़कों पर देखने को मिल जाएंगे आप अभी निकलेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा बात होनी चाहिए चंडीगढ़ के शहर के मुद्दों की रोजगार की कितने लोगों को रोजगार दे दिया आई हब की आप बात करो आई पार्क आपके नजदीक है कितने लोगों को आप प्लेस करा चुके हैं मैं सर बताना चाहता हूँ यहाँ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एक सेंटर खुला था वो सेंटर दो साल चला दो 2019 से

अमर उजाला डॉट कॉम